हाय, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, हमारे स्किन पे जो बहुत सारे जो पिंपल्स के दाग हो जाते हैं और इवन स्किन टोन नहीं दिखता, मतलब फेस पे कहीं आपको दिखेगा कि कहीं व्हाइट है, कहीं दो तरह के जो स्किन जो हो जाते हैं उस तरह की हमारी जो है सो स्किन हो जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसका इफेक्ट आपको 7 डेज के अंदर में दिखेगा। और इसको जो आप एज अ फेस पैक भी आप यूज कर सकती हैं और एज अ नाइट क्रीम भी यूज आप कर सकती हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे एज अ फेस पैक यूज कर लूँ, और क्योंकि आप काम करते समय कभी भी आप जब आप फ्री हो तब आप इसे आप यूज कर लो। फेस वॉश करने के बाद आप इसे वो यूज लगा लो, फेस पे अप्लाई कर लो और उसके बाद जो है आप जो है इसको सूखने के बाद नॉर्मल पानी से वॉश करके, और जो आप रोज वाटर अगर आपके पास है तो मैं प्रेफर करती हूँ रोज वाटर पहले स्प्रे करना अपने फेस पे, और उसके बाद जो है सो अपने फेस पे जो भी मैं क्रीम यूज करती हूँ वो लगाना। तो आपको मैं बताती हूँ कि जो ये मैं फेस पैक बना रही हूँ और जो आप नाइट क्रीम के यूज में भी आप यूज कर सकते हो उसमें क्या क्या आपको लगेगा। तो इसमें फर्स्ट आपको इंग्रेडिएंट्स है वो है बटाटा, जिसे आलू कहते हैं, पोटैटो कहते हैं। ये आपको बॉयल आलू लेना है, एक छिलके के साथ आपको बॉयल करना है और एक बटाटा आपको लगेगा। तो और क्योंकि आलू इसीलिए क्योंकि आलू हमारे स्किन को मतलब ब्लीच का काम करता है। आलू आलू में जो है सो हमारे स्किन को फेयर करने का बहुत कुछ ऐसा रहता है जो हमारे स्किन को फेयर करता है। आलू में ब्लीचिंग का बहुत कुछ रहता है जो हमारे स्किन को बहुत अच्छा करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है लेमन। लेमन में तो आपको पता है कि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। ये इसके लेमन को हम लोग नींबू को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, पानी में निचोड़ करके हो या फिर कैसे भी बालों में भी लगाते हैं क्योंकि विटामिन सी होता है और इसका हमारे स्किन, ये नेचुरल ब्लीच है। ये जो हम लोग ये ब्लीच कराते हैं पार्लर में जाकर के उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप सप्ताह में एक बार अगर अपने फेस पे, बहुत लोगों को लेकिन ड्राई बहुत लोगों को नींबू जो है वो सूट नहीं करता, तो मैं उन्हें नहीं कहूंगी कि आप डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई करो। आपको किसी और वे में आप इसे यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें ब्लीचिंग का बहुत ज्यादा इसमें रहता है और विटामिन सी है इसमें। तो आपको एक नींबू लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा है एलोवेरा जेल। मेरे पास पतंजलि का है इसलिए मैं पतंजलि यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी ब्रांड है आप उस ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकती हूँ। अगर आपके पास घर में, आपके घर में अगर एलोवेरा का प्लांट हो तो आप उससे भी यूज कर सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। आपके घर में अगर फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसको भी यूज कर सकती हैं। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है जो कंपल्सरी आपको यूज करना है ये है वीट जर्म ऑयल। मेरे पास इस ब्रांड का है, आपकी मर्जी कि आप कौन सा किसी भी ब्रांड का यूज करना है तो आप कर सकते हो। वैसे अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल दूंगी तो आप वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हो। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है रोज वाटर। ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आपके पास रोज वाटर अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रोज वाटर डालना ही है, मैं डालती हूँ और मेरे पास डाबर का है इसलिए मैं डाबर का यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप उसका आप यूज आप कर सकती हैं। तो आपको बताती हूँ कि आपको यूज करना कैसे है इसको। आपको एक ब्लेंडर लेना है, उस ब्लेंडर में आपको क्या करना है, एक आलू, मैं जो आपको बोली हूँ आलू के बहुत फायदे हैं और मुझे अभी जो मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि मुझे फीवर है, फीवर तो गया है मेरा लेकिन मुझे खांसी है और अभी भी मुझे तो मैं थोड़ा सा परेशानी में हूँ। लास्ट अभी 10-12 डेज से मेरी तबीयत सही ही नहीं रह रही है। तो आपको क्या करना है, एक बटाटा लेना है आलू और इसे आपको छिलके के साथ बॉयल करना है। ये नहीं कि आपको छिलका हटा के, बहुत लोग क्या करते हैं
छिलका को हटा देते हैं और फिर बॉयल करते हैं। तो आपको नहीं, वैसे बॉयल नहीं करना है, आपको कुछ छिलके के साथ बॉयल करना है, इसलिए क्योंकि इसमें जो स्टार्च है ना, इसके बहुत फायदे हैं, तो वो आपको निकलने नहीं, और ज्यादा वो आपको ज्यादा गलाना भी नहीं है। आपको ऐसे आलू रखना है ना कि वो ऐसा दिखे, एटलीस्ट थोड़ा सा ऐसा दिखना चाहिए। तो एक आलू आपको लेना है, ब्लेंडर में आपको एक आलू डालना है। इसके बहुत फायदे हैं, आप बस आप 7 दिन यूज करो, और यूज करने के बाद मैं नहीं बोलती हूँ कि आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप यूज करो फिर मुझे बताओ सॉरी कि आपको कैसा लगा। आलू हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा, पहले के जमाने में ये इतने सारे क्रीम नहीं हुआ करते थे, राजा महाराजा के टाइम में ये सब, वो मैं उस जमाने की हूं नहीं, लेकिन जो मैं अपनी दादी नानी से सुनती हूँ कि भाई आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है, तो वो बोलती है कि भैया मैं आलू का रस यूज करती थी या फिर नींबू का रस यूज करती थी। तो इसके फायदे बहुत है, क्या है, अभी अभी अगर आप कोई भी मार्केट से अगर आप क्रीम लेके आते हो, फेस पैक लेके आते हो, उसको आप लगाते हो ना, आपको इंस्टेंट इफेक्ट दिखता है, क्योंकि इसमें बहुत केमिकल होता है, बहुत आपको उसमें केमिकल तो मिलेगा ही, ब्लीच करने के लिए बहुत कुछ उसमें डाल देते हैं, जो कि आपको इंस्टेंट इफेक्ट दिखता है आपको कि भैया अभी लगाई मैं, अभी एकदम मुझे इफेक्ट, लेकिन उसका इफेक्ट आपको बाद में कितना खराबी करता है आप उसको मतलब सोच ही नहीं सकते। उससे क्यों ना है कि धीरे धीरे ही इफेक्ट दिखे, भाई अभी लगाई अभी मैं इतनी मतलब एकदम डायरेक्ट एकदम से मिल्की व्हाइट नहीं दिख रही हूँ, लेकिन हमारा स्किन टोन अच्छा हो रहा है, तो हम वो क्यों ना करें जो हमारा स्किन टोन अच्छा हो। स्किन टोन अच्छा करेगा, आपके फेस पे जो पिंपल्स के पुराने से पुराने दाग हैं वो धीरे धीरे जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसको बना करके रखते हो तो फ्रिज में, एटलीस्ट आप फ्रिज में इसको 20 दिन से 21 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो आपको बताती हूँ, एक आलू आप लेते हो, उसके बाद आपको 1 स्पून, 1 से 2 स्पून, जिनका बहुत लोगों को लेमन सूट नहीं करता, तो आप क्या करो कि आप सिर्फ 1 चम्मच लीजिए, मुझे लेमन सूट करता है, तो मैं डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती नींबू को, मैं इसको इसी रूप में यूज करती हूँ मोस्टली। मैं किसी पैक वैक के साथ फेस पैक जो भी मैं बनाती हूँ उसमें मैं डाल करके यूज करती हूँ, तो मैं इसमें 2 चम्मच रखती हूँ। मैं आप सबको बोलती हूँ जिन्हें नींबू सूट करता हो वो 2 चम्मच नींबू डाले, एक आलू में 2 स्पून लेमन। उसके बाद आपको जो लेना है एलोवेरा जेल, जो आपको लेना है वो भी आपको 2 स्पून लेना है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल हो तो 2 स्पून, अगर आपके घर का बना हुआ एलोवेरा, आपके घर पे जो गार्डन में अगर आपके खुद का हो एलोवेरा, वो भी 2 चम्मच, वो भी 2 चम्मच से आपको ज्यादा नहीं लेना है, 2 स्पून लेना है आपको, 1 और 2। उसके बाद आपको क्या करना है, वीट जर्म, मैं आपको ये बोली है हूँ अभी वीडियो में कि वीट जर्म ऑयल कंपलसरी है, लेकिन बहुत के पास वीट जर्म ऑयल नहीं होता है, तो आप इसके जगह पे क्या कर सकते हो, जो मेरा पहले का वीडियो देखी है और जिन्होंने मंगा लिया है उनके पास तो होगा ही, तो वो आराम से यूज कर सकते हैं। मैं वीट जर्म ऑयल बहुत यूज करती हूँ, इसलिए मेरे वीडियो मैक्सिमम वीडियो में वीट जर्म ऑयल रहता है, लेकिन जिनके पास वीट जर्म ऑयल नहीं है, वो जिनके पास वीट जर्म ऑयल नहीं है, वो आप क्या कर सकते हो, विटामिन ई के कैप्सूल या फिर एलमंड ऑयल भी आप डाल सकते हो। तो आपको वीट जर्म ऑयल कितना लेना है ये मैं बताती हूँ, ये सिर्फ आपको 1 स्पून लेना है, 1 स्पून से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप एलमंड ऑयल यूज करते हो तो आपको 1/2 स्पून लेना है, जिनका ऑयली स्किन है उन्हें तो 1/4 लेना है, मीन्स 1/2 स्पून भी नहीं, 1/2 स्पून का भी आधा लेना है, जिनका ऑयली स्किन है वो आप ध्यान रखो, जिनका ड्राई स्किन है उन्हें 1 स्पून चलेगा, लेकिन जिनका ऑयली स्किन है उन्हें 1/2 स्पून लेना है, जिनका कॉम्बिनेशन स्किन है उन्हें भी 1/2 स्पून लेना है। अभी आप ये सब डालिए, अब रोज वाटर,
रोज वाटर मैं डालती हूँ क्योंकि मैं रोज वाटर के बगैर मेरा कुछ चलता नहीं है। मैं फेस टोनर के रूप में लेकर के मैं बहुत कुछ में रोज वाटर, 1 स्पून रोज वाटर आपको डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। आपको ऐसे ब्लेंड करना है। एलोवेरा जेल क्या करता है, आपको मोस्टली अभी सब एलोवेरा यूज करते हैं तो उन्हें पता है एलोवेरा हमारे स्किन में रिंकल्स पिंपल्स को कम करता है। रोज वाटर टोनर का काम करता है, हमारे फेस में जो है ग्लो लाता है, हमारे फेस में जो चमक हो गया है वो चमक लाता है। ड्राई जिनकी स्किन हो गई है वो ड्राइनेस भी बहुत हद तक कम करता है। वीट जर्म ऑयल, इसमें विटामिन ए डी और ई होता है, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत 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 ही अच्छा। मैं तो इसकी फैन हूँ। मैं अपने डे क्रीम में, नाइट क्रीम में मैं यूज करती ही करती हूँ। और जो मैं ऑयल बना के रखी हुई हूँ मैं, और जो मैं डे क्रीम नाइट क्रीम यूज करती हूँ, मैं खुद का बनाया हुआ यूज करती हूँ। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे मैं बनाती हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, इसको ब्लेंड करना है। मैं आपको आवाज आएगी मिक्सी की, मैं आपको ब्लेंड करके बताती हूँ। कंटेनर में निकालना है, जो आपके पास एयर टाइट कंटेनर है उसमें आप इसे निकाल लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी है क्योंकि मैं यूज करती हूँ वो एज अ फेस पैक। कभी बहुत तरह का मैं बाहर से कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी ये, देखिए मेरे पास ये कंटेनर है। मैं ना ये मेरा स्टोर करके रखा रहता है फ्रिज में। तो ऐसा अगर आपके पास कंटेनर हो, कोई भी आपके पास एयर टाइट कंटेनर हो, तो आपको उसमें इसे स्टोर करके रख लेना है फ्रिज में। और ये फ्रिज में स्टोर होगा और ये एटलीस्ट 20 डेज तक जाता है, खराब नहीं होता है। तो आपको इसे अपने फेस को पहले वॉश करना है और उसके बाद इसको अच्छे से अपने फेस पे, मैं आपको बताती हूँ, अपने फेस पे एज अ फेस पैक आपको लगा लेना है। फेस पैक लगा लेना है और जब ये सूख जाए तो आपको वॉश कर लेना है। और एक बात, जैसे आप ये पैक आप बनाती हैं, अगर आपको लगे कि शायद ये थोड़ा ड्राई हो गया है, तो आप इसमें रोज वाटर मिक्स कर सकती हैं। आप पानी नहीं डाल सकती, आप इसमें रोज वाटर मिक्स कर सकती हैं। और फेस पैक जो होता है हमारा, उसके हिसाब से आप इसको वैसा बना सकती हैं और आप उसको यूज कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।